हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाने वाले हैं पीनट्स की चाट। इसके लिए मैंने यहाँ मूंगफली को 4 से 5 घंटे के लिए भिगोकर रखा था, तो ये काफ़ी अच्छे से भीग चुकी है, काफ़ी सॉफ्ट हो चुकी है ये भीगने के बाद। अब हमें इस मूंगफली को बॉईल करना है। इसके लिए हम यहाँ पर सॉल्ट ऐड कर देंगे और हम यहाँ पानी ऐड कर देंगे। इतना पानी ऐड करेंगे कि हमारी सारी मूँगफली इसमें अच्छे से डूब जाए। सॉल्ट को हमें यहाँ अच्छे से मिक्स कर लेना है पानी में। उसके बाद हम अपने पैन का ढक्कन बंद कर देंगे और इसको हमें 20 से 25 मिनट के लिए लो टू मीडियम फ्लेम पर बॉईल करना है। तो देखिए, अभी मेरी मूंगफली काफ़ी अच्छे से बॉईल हो चुकी है। अब हमें इसकी चाट बनाना है, तो चाट बनाने के लिए हम इसके अंदर चाट मसाला ऐड करेंगे। मैंने यहाँ 1/2 चम्मच चाट मसाला लिया है और हम थोड़ा सा रेड चिल्ली पाउडर ऐड करेंगे। स्पाइसी आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। इसके साथ ही हम यहाँ पर ग्रीन चिल्ली चॉप करके ऐड करेंगे और फ्रेश हरा धनिया हम यहाँ ऐड कर देंगे। साथ ही हमें यहाँ प्याज को बारीक कट कर लेना है और उसको भी हम यहाँ ऐड कर देंगे, और टमाटर को भी बारीक चॉप करके हमें ऐड करना है। अब हम इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। ये पीनट्स की चाट बहुत ही हेल्दी होती है खाने पर और बहुत टेस्टी भी लगती है। बस लास्ट में हम यहाँ पर थोड़ा सा इसको खट्टा करने के लिए इसके अंदर थोड़ा सा नींबू ऐड कर देंगे। इन सबको हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है और रेडी है हमारी टेस्टी एंड हेल्दी पीनट्स चाट। तो फ्रेंड्स, रेसिपी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक और नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।